और नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पैराग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो पैराग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना वीर बिलिंग में की जा रही है और वीर बिलिंग धौलाधर श्रेणी में स्थित है, धौलाधर श्रृंखला में स्थित है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पैराग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में की जा रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर धौलाधर श्रेणी की चर्चा आती है तो इसलिए हम धौलाधर श्रेणी से रिलेटेड और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं जो PSC जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ मैप के सहारे देखेंगे कि धौलाधर जो है यहाँ पर है, और धौलाधर यहाँ पर होने का मतलब ये है कि ये हिमालय का ही हिस्सा है। तो PSC जैसी परीक्षाओं में सवाल एक ये पूछा जाता है कि पर्वत दे देते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं दे देते हैं और उनका जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, उत्तर में क्या है, कराकोरम है, उसके बाद में लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, और उसके बाद में क्या है, धौलाधर है, यानी कि धौलाधर श्रृंखला जो है वो हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है। यानी कि अगर आप नाम याद करना चाहें तो के बाद में यल है, यल के बाद में जेड है, जेड के बाद में पी है, और पी के बाद में क्या है, डी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक सवाल और भी पूछा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिम में जो है पश्चिमोत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला है और जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये भी पूछा जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से जो है वो पश्चिम की तरफ पर्वत श्रृंखलाएं दे दिया जाता है, पहाड़ियां दे दिया जाता है, उनका क्रम पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि सबसे पहले पश्चिम में क्या आ जाएगा, महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में कैमूर, उसके बाद में मैकाल, और उसके बाद में राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं जो लगभग बिहार और झारखंड के हिस्से में पड़ती हैं। यानी कि इसको भी आप शॉर्ट टर्म में याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं MK और MR, यानी कि MR महादेव, KR कैमूर, और MR मैकाल, RR राजमहल। तो यहाँ से आपके दो सवाल जो है तैयार हो जाते हैं, एक तो जो है हिमालय पर्वत की श्रेणियों को लेकर के उत्तर से पश्चिम की दिशा में सजाने के क्रम को लेकर के, और उसके बाद में दूसरा सवाल जो है वो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ राजमहल, महादेव, कैमूर, मैकाल जैसी पहाड़ियों के जो सवाल आते हैं उसको लेकर के। पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन किसने लिखी है, यानी कि पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन के राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं गौरी खान। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पुस्तक इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा किसने लिखी है, देखिए दो बुक है, एक का नाम है संवाद उपनिषद और दूसरे का नाम है अक्षर यात्रा। तो ये लिखा है गुलाब कोठारी ने, और इसका जो है विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया और इस अवसर पर दो पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का विमोचन किया। दोनों पुस्तकों के लेखक पत्रकारिता समूह के चेयरमैन गुलाब कोठारी हैं, यानी कि गुलाब कोठारी कौन है, ये पत्रकारिता समूह के चेयरमैन हैं। पत्रकारिता समूह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसकी स्थापना कर्पूर चंद्र पुलिस ने किया था। अब कर्पूर चंद्र पुलिस का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्पूर चंद्र पुलिस के ही सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया गया है, और किसने शुरू किया है, तो पत्रकारिता संपत्रिका समूह ने ही इस पुरस्कार को शुरू किया है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया गया है। इसकी वजह से कर्पूर चंद्र पुलिस जो है, जो कि पत्रिका समूह के जो संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं, इस समय जो चेयरमैन है वो है गुलाब कोठारी, जो कि राइटर के नाम है, और पत्रिका समूह की स्थापना किया है कर्पूर चंद्र पुलिस ने। तो यहाँ पे जो भी 3-4 सवाल बन रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर 2020 को आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 संसद द्वारा पारित किया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर एक पॉलिटी का सवाल बनता है, वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसद के द्वारा पारित किया गया, तो संसद द्वारा पारित करने का मतलब ये है कि लोकसभा के द्वारा भी पारित हो चुका है, राज्यसभा के द्वारा भी पारित हो चुका है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बनेगा। यानी कि यहाँ पर विधेयक लिखा हुआ है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अभी राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो इसको अधिनियम कहा जाएगा, ठीक है। देखते हैं सवाल जुड़ा हुआ इसे स्टेटमेंट क्या है। इस विधेयक का उद्देश्य देश में एक आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना करना है, तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इस संस्थान का नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि संस्थान देहरादून में स्थापित किया जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये संस्थान गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह संस्थान जो है वो गुजरात में स्थापित किया जाएगा, जो कि गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। और अगला है कि 16 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया, इसमें किस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है, यानी कि बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किस विनियमन
अधिनियम को संशोधित करता है। तो ये अधिनियम है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। इससे पहले बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 आया था। इसमें 16 सितंबर 2020 को जो संशोधन प्रस्ताव लाया गया था उसको लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। यहाँ पर आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल ये है कि 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा एवं 16 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया गया। देखिए यहाँ पर नाम को सुनकर के घबराना नहीं है, ये नाम है। इकोनॉमी के जो भी करंट इश्यूज होते हैं उनके नाम लंबे होते हैं, खासतौर पे अगर कोई विधेयक आता है, कोई एक्ट आता है, तो ठीक है। तो इसका नाम है बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020। इसलिए ये साल को इंडिकेट करता है, इसको तो आसानी से आप समझते होंगे। अब इस विधेयक में ऐसा है क्या वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में लाने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य इसके कामकाज में सुधार लाना है। यानी कि जो सहकारी बैंक हैं उनको RBI के अंडर लाया जाएगा, उनकी देखरेख RBI के माध्यम से होगी और जब RBI के माध्यम से होगी तो कहीं ना कहीं सरकार जो है जो बैंकिंग सिस्टम में जो सुधार लाना चाहती है वो भी महत्वपूर्ण अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। यह विधेयक RBI को आवश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव करने का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि उसके मैनेजमेंट में जो भी वो RBI चेंज कर सकेगा इस अधिनियम के माध्यम से, इस जो है जो विधेयक आया है इसके माध्यम से। इससे सहकारी बैंकों में पैसा जमा करने वाले आम हितों की रक्षा होगी। आप देखे होंगे कि आए दिन में बैंकिंग सिस्टम से क्या है कि लोगों का एक प्रकार से विश्वास उठता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। RBI को सहकारी बैंकों के नियमित कामकाज पर रोक लगाए बिना उसके प्रबंधन में बदलाव लाने के लिए योजना तैयार करने का अधिकार प्राप्त होगा। तो नियमित कामकाज पर रोक भी नहीं होगी कि मान लीजिए, चलिए अगर मान लीजिए RBI मैनेजमेंट को चेंज कर रही है तो पता लगा सहकारी बैंक को कुछ स्पेशल टाइम के लिए बंद करना पड़ा, तो अब जो है सहकारी बैंकों को बंद नहीं करना पड़ेगा, उनके मैनेजमेंट में चेंजेस हो जाएगी। वो होगी किसके थ्रू? वो होगी RBI के थ्रू, ठीक है। एक बात महत्वपूर्ण ये है कि कृषि सहकारी समितियाँ, जो कि कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियाँ हैं, वो इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगी। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि कृषि सहकारी समितियां जो होंगी, और स्पेशल वो समितियां जो मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली हैं, वो सहकारी समितियां इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगी। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है 9 सितंबर 2020 को, और त्रिपक्षीय इसलिए क्योंकि इसमें 3 देश शामिल है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसी एक देश ने नहीं की है बल्कि मिलकर की है, यानी कि सह अध्यक्षता यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है और जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पर जो एक प्रकार से आप देखेंगे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार वाले क्षेत्र हैं, यहीं से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक शांति व्यवस्था कायम करने की जो विभिन्न सरकारों की पहल है, जो मकसद है, इस स्तर पर जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर ये 3 देश शामिल हैं, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। सवाल देखते हैं कि 18 सितंबर 2020 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया? देखिए निधन तथा नियुक्तियों से स्टेट PSC, बैंक, SSC, रेलवे जैसी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा। जॉन टर्नर जो है वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और आपको पता होगा कि कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है एक देश है। नेक्स्ट है कि 14 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व बैंक समूह के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये नियुक्ति हुई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा विश्व बैंक समूह के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति राजेश खुल्लर की हुई है, और राजेश खुल्लर जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष यानी कि 31 अगस्त 2023 तक होगा। अब चूंकि 14 सितंबर 2020 को नियुक्ति हो रही है तो इस हिसाब से इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा, जो कि 31 अगस्त 2023 तक होगा। विश्व बैंक समूह में कार्यकारी निदेशक के रूप में वह भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है
ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि वो क्या सिर्फ और सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो भारत के अलावा जो है वो बांग्लादेश का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, भूटान का भी प्रतिनिधित्व करेंगे और साथ ही में श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। और नेक्स्ट है कि नुआखाई ज्वार महोत्सव प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नुआखाई महोत्सव उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व इसके पड़ोसी राज्यों में मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रमुख रूप से तो मनाया जाता है उड़ीसा में। यहाँ पर लिखा है कि यह उड़ीसा राज्य का प्रमुख पर्व है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए कि यह केवल उड़ीसा में मनाया जाता है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यह उड़ीसा में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और इसके पड़ोसी राज्यों में भी मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, दरअसल ये पर्व उसी प्रकार का है जैसे दक्षिण में आपको पता होगा कि पोंगल मनाया जाता है, वो भी एक प्रकार के अच्छी फसल की कामना को लेकर के एक विशेष देवता को ध्यान में रख करके मनाया जाता है, या आपके पंजाब वाले रीजन में बैसाखी मनाया जाता है, तो उसी प्रकार से ये पर्व भी मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि परंपरा के अनुसार नया धान जिसे नवन्ना कहा जाता है को माँ समालेश्वरी को चढ़ाया जाता है। माँ समालेश्वरी को संबलपुर की मुख्य देवी माना जाता है। इस त्यौहार को मनाने का प्रमुख उद्देश्य कृषि गतिविधियों के लिए अनुकूल मौसम की आशा करना है, जिससे फसल अच्छी हो। अब देखिए इतना स्टेटमेंट बताने का मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि स्टेट पीएससी और यूपीएससी जो कि आईएएस की परीक्षा है वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न को, सवाल को घुमा फिरा करके बनाया जाता है, तो इस तरह की स्टेटमेंट ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 8 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा के रूप में बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय किया है, तो ये संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय किस सरकार की पहल है, तो उत्तराखंड सरकार की पहल है, उत्तराखंड राज्य की पहल है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ पे बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो इसमें हम कुछ सवाल को काट भी देते हैं, और जिन सवालों को काटते हैं वो सवाल वैसे तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जिन सवालों का डिस्कशन यहाँ पर हम करते हैं वो सवाल आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। पीसीएस 2000 में यहाँ से बहुत ढेर सारे सवाल आए थे। ई दृष्टि का रिमाइंडर भी जब आता है उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, इसलिए आप जीएस गंगा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।